नमस्कार दोस्तों, सीधी बात नो बकवास कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की खूबसूरत पहाड़ियों से आज ये आपको वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल्स पर करते हैं बातचीत। सबसे पहले तो ये जान लीजिए शुक्रवार फ्राइडे 14 जून 2024 को क्या हुआ है। 14 जून 2024 को ऑल टाइम हाई क्लोजिंग निफ्टी में हुई है, ऑल टाइम हाई लगा है और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी हुई है। 23,490 ऑल टाइम हाई, 23,490 का ऑल टाइम हाई लगा है और 23,465 की हुई है क्लोजिंग। दोस्तों अब बात हम एक एक इंडेक्स पर कर लेते हैं। फिन निफ्टी की मंगलवार को है एक्सपायरी, क्योंकि सोमवार को है छुट्टी। ईद की सबको मुबारकबाद, और ईद के बाद हम मंगलवार को खुलेंगे और मंगलवार को होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो सबसे पहले फिन निफ्टी पर ही कर लेते हैं बात। फिन निफ्टी के क्या बैठते हैं लेवल्स? फिन निफ्टी के लेवल्स बैठते हैं 22,446, 22,446 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो 22,506, 22,506, 22,545, 22,545, 22,545 भी अगर पार होता है तो उसके बाद 22,590। अब ये देख लीजिए, अगर 22,590 पार हुआ तो 22,650, 660 तक के लेवल से एक बार को हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। 22,660 अभी तक का ऑल टाइम हाई है फिन निफ्टी में दोस्तों। ऑन द अदर हैंड 22,300 पे अभी पुट राइटिंग बहुत शानदार है। वैसे आपको मैं बता दूं 22,400 पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही डर रहे हैं। कॉल राइटिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 22,400 से ऊपर ही हम क्लोज हुए हैं तो कॉल राइटर पुट राइटर में ऐसा कोई दमखम दोनों तरफ नहीं लग रहा। लेकिन बेस्ट सपोर्ट जो दिख रहा है वो दिख रहा है 22,300 पे। तो मेरे को लगता है कि अगर हम लोग 22,294, 22,294 के नीचे चलना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से एक बार को डाउनसाइड दिख सकता है 22,254 तक का, 22,254 तक का, 22,248, 22,248 तक का, 22,228, 22,228 तक का, और उसके नीचे गए तो 22,190, 188, 22,188 टू 22,190 तक के लेवल्स हो सकते हैं हमको देखने को प्राप्त। बात कर लेते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। सेंसेक्स की बात जब करते हैं तो सेंसेक्स भी आपको मालूम है एक्सपायरी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं हुई शुक्रवार को। ऑल टाइम हाई है 77,145। जब तक हम 77,145 जो ऑल टाइम हाई के ऊपर चलना स्टार्ट ना करें, सस्टेन ना करें और चलना स्टार्ट ना करें, बाई साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद लेवल आएगा 77,293, 77,293, 77,293 पार हुआ तो 77,536, 77,536 तक का लेवल आ सकता है। और अगर वो भी पार हो गया तो 77,772, 77,772 तक का लेवल एक मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड माई डियर फ्रेंड्स 76,695, 76,700 अभी बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर उसके नीचे जाना स्टार्ट करते हैं, मेरा लेवल है 76,695, 76,695 अगर ब्रीच होता है तो हमको यहाँ से मिल सकता है 76,550, 76,550, 76,550 ब्रीच हुआ तो 76,460, 76,460 और उसके नीचे गए तो 76,360, 361 के करीब, 76,360, 361 तक के लेवल्स देखने को हो सकते हैं प्राप्त। दोस्तों बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर शायद दूसरी क्लोजिंग। एक दिन आपको पता है बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, उस दिन भी हम 50,000 के ऊपर क्लोज हुए थे, लेकिन शुक्रवार को 50,000 के ऊपर दूसरी क्लोजिंग है अभी तक। 50,000 के ऊपर ही जस्ट क्लोज हुए हैं, अच्छी क्लोजिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC बैंक भी 1.25% तेज चल रहा था। लेकिन दोस्तों अब हमको लेवल टू लेवल जब बात करनी है तो 50,102, जब तक हम 50,102 के ऊपर, 50,102 के ऊपर चलना ना स्टार्ट हो, सस्टेन ना करें, तब तक बाय साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 50,102 के ऊपर लेवल आएगा 50,229 का, 50,229 का, 50,408 का, 50,408, 50,556, 50,556, और उसके बाद आ सकता है 50,730, 50,730। ऑन द अदर हैंड माई डियर फ्रेंड्स 49,700 remains as an excellent support. 49,693, 694 का लो लगा है शुक्रवार को, वो अगर जब तक नहीं कटता तब तक सेल साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। वो कटा तो 49,544 तक आ सकता है और उसके नीचे गए तो 421, 49,421,
एंड अगर वो भी ब्रीच हुआ तो 49,310 तक के लेवल्स, 310 तक के लेवल्स देखने को बैंक निफ्टी में हमको हो सकते हैं प्राप्त। बात करेंगे अब आपकी प्यारी निफ्टी 50, जो बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है निफ्टी 50। निफ्टी 50 अब हम जब तक ऑल टाइम हाई को दोबारा से टेस्ट ना करें, ब्रीच ना करें 23,490, इसके ऊपर जब तक ना चलना स्टार्ट करें, तब तक हम बाय साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 23,490 या 23,500 ये 10 पॉइंट जो है अभी भी बोल रहा हूं ये एक सप्लाई जोन हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर 23,500 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, 23,490 से ऊपर 23,519 का लेवल आता है, 23,519 का लेवल आता है, 23,519 के बाद 23,558 दैट इज 23,558, और अगर वो भी पार किया तो 23,591 दैट इज 23,590-91 तक के लेवल्स देखने को हो सकते हैं प्राप्त। ऑन द सेल साइड 23,400 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, 23,350 पे और भी अच्छा सपोर्ट है, बट फिर भी अगर 23,334 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करता है तो 23,298 23,298 द बेस्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी अभी जो दिख रहा है। अगर वो ब्रीच होता है 23,298 वाला तो 23,232 23,232 तक आ सकते हैं, और अगर वो भी ब्रीच हो गया तो 23,180 दैट इज 23,180 तक के लेवल्स हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त। दोस्तों जुलाई के लिए जो बैच है उसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो भी आना चाहे खुशी से उसमें रजिस्टर कर सकता है। 12 डेज का बैच होगा और आपको 10,000 रुपीज़ उसका फीस पे करना है। आप फोन पे, पेटीएम, जीपे पर पेमेंट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दे रखा है और पिंड मैसेज जो है उसमें भी दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ नंबर जो है 7834876736 यही व्हाट्सएप पे नंबर है, यही फोन पे, पेटीएम, जीपे का भी नंबर है। याद रखिएगा कि जो भी इस वीडियो में हमने बातचीत की है ये सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पसेस से की है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बात। उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को कर चुके होंगे लाइक, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर ट्यूजडे एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। बाय बाय।